अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन एवं विशेषतः माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी यह पहले भी देखने में आया है कि दिल्ली में जैसे मस्जिदों के मौलवियों को मुजाहिदीन को तो वेतन मिलता है परंतु मंदिर के पुजारियों को नहीं मिलता, ये डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। इसी अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा नियुक्तियों में संपूर्ण देश में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलने से समाज में उनका स्तर बढ़ता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी कमीशन को भी संविधान का दर्जा इसीलिए दिया कि उनकी आबादी 50% से ज्यादा है तो वो भी उसी स्थिति में आ सके। दिल्ली में 50% ओबीसी लोग रहते हैं। हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में कुल 123 और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में कुल 45 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। देश में अन्य राज्यों में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है परंतु दिल्ली सरकार द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। वहां एक तरफ तो वो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर हिंदू कश्मीरियों का उपहास उड़ाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के तहत, दूसरी तरफ ओबीसी समाज के जो 50% दिल्ली में लोग रहते हैं जिनके कारण से मुख्यमंत्री बना है जहां कथित रूप से भेदभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माने विधि न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर कुछ प्रभावी कदम उठाएं जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदान किए गए समानता के अधिकार का पालन सुनिश्चित हो तथा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू करवाया जाए जिससे दिल्ली राजधानी में रह रहे अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार उनका स्तर बढ़ाने में उन्हें अवसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।